हाय गाइस, मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कुछ ये क्या है, शायद आप इसको पहचानते होंगे। ये है क्वाशा। सकता है कि आप इसका यूज़ कर चुके हों, आप इसके बारे में जानते हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसकी कुछ चीज़ें आप नहीं जानते हों कि इसको कैसे यूज़ करना है, या फिर कोई ऐसा है जो नहीं जानता कि ये क्या है, इसका कैसे यूज़ होता है। इसमें से यही कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता देना चाहती हूँ, थोड़ा सा जल्दी से मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ। मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं लाइम ट्री। मेरे चैनल का नाम है लाइम ट्री, जहाँ मैं स्किन केयर और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में कुछ बातें शेयर किया करती हूँ और कभी कभार कुछ व्लॉग्स भी शेयर कर दिया करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि एक ग्वाशा है क्या। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, जो कि आप समझ चुके होंगे कि अगर वीडियो पसंद आती है, ये टॉपिक, ये बातें, ये बेनिफिट्स, जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उनके बारे में, वो आपको अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशनल मिले, कि मुझे अच्छा लगे कि आप उसको पसंद करें हैं, मुझे समझ में आए, तो मैं कुछ और वीडियोज़ भी इस टाइप की डाल सकूँ। और सब्सक्राइब इसलिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ कि नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए लेट ना करते हुए देखते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ये ग्वाशा है क्या। तो ग्वाशा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्किन केयर के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब ये होता है कि ग्वा यानी कि आप स्किन पे स्ट्रोक कर सकते हैं, उसको प्रेस करने को कहते हैं ग्वा, और शा का मतलब होता है रेडनेस। तो चलिए जानते हैं कि इसका कैसे यूज़ करना है, और इसके नाम से आपको समझ में आ चुका है कि इसके मसाज के थ्रू इस तरीके से करना है कि आपके फेस में रेडनेस यानी कि ब्लड सर्कुलेशन आ जाए, ना कि लाल रेड स्पॉट पड़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले इसको आपको क्या करना होगा, इसको आपको रखना होगा रेफ्रिजरेटर में थोड़ी देर के लिए। ये स्टोन है और अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो ये कूल हो जाता है, जिससे आपके फेस पे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट्स मिलता है। क्या करना है, सेकंड स्टेप, आपको फेस को अपने क्लीन करना है विदाउट एनी मेकअप, कोई मेकअप अप्लाई नहीं रखना है, आपको फेस पे एकदम क्लीन कर लेना है, उसके बाद आपको इसको यूज़ करना है। और इस ग्वाशा का यूज़ चाइनीज़ जो है चाइना में बहुत टाइम से यूज़ हो रहा है, आपके ब्यूटी को इन्हेंस करने में, इम्प्रूव करने में, या फिर आपके स्किन में अगर उनकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको फिल आउट करने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है काफ़ी लंबे समय से। लेकिन इंडिया में अभी कुछ टाइम से ये थोड़ा पॉपुलर हुआ है, और फिर भी बहुत से लोग हैं जो इसका यूज़ नहीं करते और नहीं जानते। अब हम जानते हैं कि इस ग्वाशा का यूज़ हमें कब करना है। तो इसका आप यूज़ मॉर्निंग स्किन केयर या फिर नाइट स्किन केयर रूटीन में कर सकते हैं। अब ये जानेंगे कि इसका जो है, इसका यूज़ करने से क्या बेनिफिट है। तो इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले ये आपके स्किन में जो एक फाइन लाइन्स रिंकल्स की प्रॉब्लम है उसको क्योर करता है। इसके मसाज से आपके स्किन में एक टाइटनअप इफेक्ट आता है, जो आपके स्किन में पफिनेस है वो दूर होती है, एक्ने की प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम, डार्क स्पॉट्स, यहाँ तक कि आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स भी रिमूव हो जाते हैं। अगर नींद कम पूरी हो रही है, आप अगर ज़्यादा कंप्यूटर पे, फ़ोन पे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो अंडर आई सर्कल में जो होता है वो ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों को क्योर करता है। कैसे करता है ये मैं आपको आगे बताऊँगी, लेकिन उसके पहले कुछ इसके बेनिफिट्स और हैं जो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको स्ट्रेस है तो आप इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रेस आउट हो सकते हैं। आपके डबल चिन एरिया की प्रॉब्लम है, ये क्योर हो सकती है। तो ये मैंने बहुत सारे बेनिफिट्स गिना दिए हैं ऑलरेडी। तो अब चलिए देखते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको इस ग्वाशा को अपने फ्रिज में स्टोर रखना होगा थोड़ी देर के लिए। तो हो गया, आपका ये कूल हो जाता है तो आपके स्किन में और अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है और अच्छे से इसका इफेक्ट आता है। तो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि ग्वाशा को आपको पहले यूज़ कैसे करना है, आप ये जान लीजिए। इसको इस तरीके से आपको पूरी स्किन से टच नहीं कराना है, इसका जो बॉर्डर वाला एरिया है उसको 45 डिग्री पे यू रख के स्ट्रोक करना है। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ फर्स्ट स्टेप इसका है, जो कि आपका नेक एरिया से स्टार्ट होगा। स्पाइन जो होती है वहाँ के सेंटर पॉइंट से आपको यू स्टार्ट करना है, नीचे से ऊपर ले जाना है, हल्का सा प्रेस करना है, और नीचे से यू ऊपर ले जा के ऊपर थोड़ा सा प्रेस करके यू, जिस तरीके से हमें स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, इस तरीके से आपको मसाज करना है। इससे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत अच्छे से दूर हो जाएगा और बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। अब आपको करना होगा सेकेंड प्रोसेस, जो कि होगा फर्स्ट फेस के तरफ से। तो इस पर आपको क्या करना होगा, जो वी सेक्शन है इसी से ही आपको नीचे से ऊपर एक स्ट्रोक करना होगा, इस तरीके से नीचे से ऊपर हल्के हाथों से प्रेस करते हुए। अगर आपकी जॉ लाइन आप चाहते हैं कि अच्छे से इम्प्रूव करना, तो नीचे से ऊपर बस इसके बाद आपको
इसे इस तरीके से ले जाना होगा। तो अभी मैं लगाने जा रही हूँ सीरम। आपके पास कोई सीरम है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, फेस ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कुछ लगाना ज़रूरी है ताकि उसकी जो ऑयल है उसकी गुडनेस भी आपके फेस में जाए और स्ट्रोक जो आप कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से उस पर मसाज हो सके। तो ये मैंने इतनी क्वांटिटी में ले लिया है, इसको आपको पाम में लेना है और हल्का सा इसको रब करना है, वार्म करना है। इसके बाद आपको इसको फेस पे यूं टैप टैप करते हुए इसको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है, अपने नेक एरिया में, जहाँ भी आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, जहाँ मसाज करना चाहते हैं। इस तरीके से हल्के हाथों से आपको पहले अब मसाज करके हल्का हल्का यूं टैप टैप करके छोड़ देना है। और अब आपको स्टार्ट करना होगा ग्वाशा से अपना, ये जो मैं दिखा रही हूँ कि वी एरिया जो है इस साइड से लेके आपको ऊपर तक ले जाना है और हल्के हाथों से प्रेस करते हुए लास्ट पॉइंट पे थोड़ा सा पुश एक्स्ट्रा करना होता है। तो इस तरीके से आपको ले जाना है। और आपको एक बार आप अगर स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम आप 5-5 times एक प्लेस पे ज़रूर इसका मसाज ज़रूर करें, स्ट्रोक ज़रूर करें। इस तरह से करने के बाद आप देखेंगे कि आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा, बहुत आपको अच्छा फील होने वाला है। इससे आपकी स्किन भी इन्हेंस होगी, आपकी फाइनलेस रिड्यूस होंगी। ये मैं दिखा रही हूँ कि आपको अगर साइड में इस तरीके से करना है तो वी जो एरिया है इस तरीके से हल्के हाथों से आपके चिन एरिया पे उंगली से फिंगर से उसको आपको प्रेस करना है, फिर नीचे से आपको धीरे धीरे स्ट्रोक करना है, जिससे आपके डबल चिन एरिया और आपका जो जॉ लाइन है बहुत अच्छे से होगा और फेस अपलिफ्ट होगा ऊपर की तरफ। जो आपके फेस एजिंग के साथ साथ वो नीचे लटकना शुरू हो जाते हैं वो ऊपर के साइड में अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब आपको करना होगा जो आपके लॉफिंग एरिया होता है, आपका जो चीक एरिया होता है उस पर, तो यू इस तरीके से हल्का सा प्रेस करना है। और अब आप ये ध्यान दें कि किस साइड से मैं ग्वाशा से यूज़ कर रही हूँ, किस साइड से मैं प्रेस कर रही हूँ, तो इसका एंगल अभी चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आपको ले जाना है, ये दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से प्रोसेस कर लेना है। अब आपको ये जो आपका माथे पे आपके लाइन होती है फॉरहेड पे, इस तरीके से इसको आपको यूं ऊपर की तरफ ले जाना है और नीचे आपको प्रेस करके रखना है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको बहुत रिलैक्सेशन भी मिलेगा और जो फाइन लाइंस है ये सारी चीज़ें रिड्यूस होंगी और आपके फेस में एक बहुत अच्छी सी शाइन आएगी। और जो आपके फेस में गंदगी जमा हो गई जिसकी वजह से एक्ने की प्रॉब्लम होती है, पिंपल की प्रॉब्लम होती है, वो सारी चीज़ें भी सॉल्व होगी। ये आई एरिया के ऊपर फिर से आपको अगेन हार्ट शेप वाला जो एरिया है उससे आपको यूं मसाज करते जाना है, जिस तरीके से मैं करके आपको दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आपको दोनों तरफ के एरिया को कवर करना है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा स्टेप ही करके आपको, तो आप इस तरीके से इसको जरूर ट्राई करिएगा। ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ग्वाशा को जरूर यूज़ करिएगा, जरूर अप्लाई करिएगा। और इसका रिजल्ट आप मुझे चाहें तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपनी हेल्थ, अपनी स्किन और अपनी खुशियों का ख्याल भी जरूर रखिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।